हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आईक्यू अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए मैं बहुत ही बड़ी न्यूज लेकर के आ गया हूँ। होमगार्ड भर्ती 2019 से संबंधित न्यूज आपको बताने वाला हूँ। इससे जुड़ी जानकारी कि इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया, तो बदलाव क्या किया गया वो आपको मैं बताने वाला हूँ। आयु सीमा क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। ये बस विद्यार्थियों के लिए दुख की खबर है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही बड़ी दुख की खबर है। पहले बताए जा रहे थे 500 प्लस पद, ठीक है दोस्तों, अब केवल पद है इसमें 26 होमगार्ड होंगे ओनली। तो ये बहुत ही एक तो दुख की खबर है और इसमें विद्यार्थियों के लिए कोई जगह नहीं है मेरे हिसाब से। माने जब तक तो इसमें विद्यार्थियों के लिए कोई जगह नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें साफ साफ बता रखा है कि 55 से 60 वाले विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इतने साल के हो जाएंगे फिर क्या फॉर्म में अप्लाई करेंगे, बेरोजगार तो पहले से है। पर आपको मैं बताता जाऊँ, पूरी जानकारी अभी बताऊंगा जो कि आपको देखना है। मीटिंग खत्म होने के बाद यह खबर है, 3-4 ट्वीट किए गए हैं, वो आपको मैं बताऊंगा क्या क्या जानकारी है। मीटिंग में यह बड़ा फैसला रहा जो कि अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलते हैं, पूरी जानकारी जान लेते हैं अपन। तो यहां पर एक बड़ी खबर देख सकते हो आप, जयपुर होमगार्ड राज्य मंत्री भजन लाल जाटव का बयान, नियमों का पालन नहीं करने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस होंगे रद्द। तो जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उसको क्या होगा, लाइसेंस रद्द होगा, होमगार्ड को नहीं कर सकते नियमित। तो देख सकते हो यहाँ पर बड़ी खबर, होमगार्ड को नियमित नहीं कर सकते, क्योंकि होमगार्ड स्वयं सेवक हैं, कोशिश है कि होमगार्ड को नियमित रूप से काम मिले। तो देख सकते हो हम कोशिश कर रहे हैं कि नियमित रूप से काम मिले, इसके लिए विभाग को लिखी जा रही है चिट्ठी। तो यहाँ पर बड़ी न्यूज़ देख सकते हो। इसके बाद आपको और बड़ी न्यूज़ बताता हूँ मैं जो कि आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप आगे पूरी जानकारी, तो यहाँ पर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की देख सकते हो, जी न्यूज़ की देखिए आपने। होमगार्ड महकमे की समीक्षा बैठक, नियमित रूल भर्ती रूल्स तैयार करने। तो देख सकते हो नियमित भर्ती रूल तैयार करने, स्वयं सेवकों को रोजगार उपलब्ध कराने, 26 होमगार्डों की बहाली। तो देख सकते हो 26 होमगार्डों की बहाली होगी। आयु सीमाएं 55 से 60 वर्ष वाले, ड्यूटियां बढ़ाने, रात्रि गश्त में नियोजित बढ़ाने समेत कई अहम फैसले लेंगे। तो देख सकते हो ड्यूटियां बढ़ाने, रात्रि गश्त में नियोजन बढ़ाने समेत कई अहम फैसले यहां पर लिए जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की बड़ी खबर है। अभी हाल ही की सबसे बड़ी खबर चल रही है ये 2 घंटे पहले की, और भी देख सकते हो होमगार्ड महकमे से जुड़ी बड़ी खबर। धांधली करने वाले सिक्योरिटी एजेंसी की अब नई खैर, मंत्री भजन लाल जाटव का बड़ा नियमों का उल्लंघन कर रही प्राइवेट एजेंसियों के लाइसेंस वगैरह रद्द, सरकार कराएगी इनकी जांच, सरकारी महकमे में होमगार्ड को दिया जाएगा प्रोत्साहन। तो देख सकते हो सरकार इनको प्रोत्साहन देगी, जो कि मंत्री जी है होमगार्ड मंत्री, उन्होंने साफ कह दिया है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर थी, केवल इसमें आपके लिए 26 पद है और वो भी विद्यार्थियों के लिए नहीं माने जा रहे। मेरे हिसाब से कोई इसमें बड़े ज़्यादा पद हैं नहीं, क्योंकि 55 से 60 ईयर्स वाले बच्चे भी तो होते नहीं है विद्यार्थी जो फॉर्म भरेंगे इसको। इससे पहले एक बड़ी खबर थी जो कि मैं आपको बता दूँ, उसमें कितने बताए जा रहे थे जो कि मैं आपको बता देता हूँ, उसमें बताए जा रहे थे कितने, उसमें 500 पद बताए जा रहे थे जो कि मैं आपको बता देता हूँ अभी उस न्यूज़ को भी, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप कल की न्यूज़ देख सकते हो जहाँ पर 500 से अधिक पदों के लिए बताई जा रही थी, पर अभी 26 पदों पर होगी भर्ती। यह बहुत ही बड़ी दुख की खबर आ रही है दोस्तों। तो इसके लिए आपको कदम उठाने चाहिए थे, पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि आपको फॉर्म भरना चाहिए था पहले, अब फॉर्म भर के क्या करोगे जब 26 ही पद है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाए क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे वो सोचते हैं कि सर 500 प्लस पद वाली वैकेंसी आएगी, पर दोस्तों अब नहीं आ रही है। तो आप अब इसकी टेंशन मत लो कि होमगार्ड की वैकेंसी आएगी, तो आपकी कोई वैकेंसी नहीं है ये समझ लो बिल्कुल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने ऑफिशियल जानकारी थी वो आपके इकट्ठा करके दे दिया। धन्यवाद दोस्तों।